वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लेकर आया हूँ क्लास 12 का इंग्लिश का फिफ्थ चैप्टर आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार बोर्ड में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें 50 का आंसर देना पड़ता है। ओके, 50% ऑब्जेक्टिव का आंसर देना पड़ता है। ओके, तो इस हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। ओके, तो आप अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे, और मैं हर चैप्टर का जो है हर चैप्टर का दो वीडियो बनाता हूँ, एक ऑब्जेक्टिव और दूसरा सब्जेक्टिव। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बनाया जा रहा है, और दूसरा वीडियो जो आएगा इसके बाद तो वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। ओके, तो अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो आप देख लेंगे, ताकि आपको जो है आप अच्छे से अच्छे मार्क्स जो आपने इंटर में यानी इंटरमीडिएट साइंस है या आर्ट्स या कॉमर्स के स्टूडेंट है आप, तो उसमें आप ला सकते हैं। ओके, तो आप जैसा कि आप जानते हैं नाम से ही पता चल रहा है कि आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, यानी एक ऐसा विचार जिसने जो है हेल्प किया होगा मानव को विकास करने में। ओके, ये कहते हैं, कौन कहते हैं, बर्टन रसेल के, ऐसा कुछ तो विचार आया होगा। ओके, जिसके वजह से जो है लोग विकसित हुए, आज विकास हुए, आज जो हमारा अस्तित्व है, इससे पहले जो हमारा अस्तित्व था धीरे धीरे विकास होते गया, आज हम लोग इस अस्तित्व में पहुंच चुके हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको याद रखना होगा कि आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड क्या है, तो एक ऐसे है, क्या है, एक ऐसे। तो यहां से भी ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, कई बार इससे दो तीन चार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। ओके, तो आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड किसके द्वारा लिखा गया है, तो बर्टन रसेल के द्वारा लिखा गया, और यह क्या है, एक ऐसे है। ओके, बर्टन रसेल की जन्म कब होती है, 18 मई 1872 में होती है और यूके में होती है, एंड डाइड, और उनकी मृत्यु हो जाती है 2 फरवरी 1972 में होती है, और कहाँ होती है, यूके में ही होती है, यूनाइटेड किंगडम में होती है। तो याद रखेंगे आप पॉइंट वाइज आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड किसने लिखा है, तो बर्टन रसेल ने लिखा है, और उनकी जन्म कब होती है, 18 मई 1872 में होती है यूके में, उनका मृत्यु कब होता है, 2 फरवरी 1972 में होती है, और कहाँ होती है, यूके में ही होती है, और आइडिया दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड क्या है, तो ऐसे है। ओके, अब देखिए, ही वॉज ब्रिटिश फिलोसोफर। ओके, ही वॉज ए ब्रिटिश फिलोसोफर, ओके, हिस्टोरियन एंड मैथमेटिशियन, यानी जो है बर्टन रसेल क्या थे, एक ब्रिटिश फिलोसोफर थे, दार्शनिक थे, एक इतिहासकार थे, हिस्टोरियन थे, और मैथमेटिशियन थे, उसमें बहुत सारा क्वालिटीज था। ओके, वो साइकोलॉजिस्ट भी थे, ओके, साइंटिस्ट भी थे, तो उन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है रोल निभाते हैं। ओके, तो देखते हैं फिफ्थ पॉइंट को, देखते हैं ही वॉज सॉरी फोर्थ पॉइंट को, बर्टन रसेल एडवोकेट्स फॉर सोशल रिफॉर्म। ओके, यानी बर्टन रसेल क्या करते हैं, सोशल रिफॉर्म का जो है का समर्थन करते हैं। एडवोकेट मीन्स क्या होता है, समर्थन करना, यानी सोशल यानी समाज में जो है सुधार के लिए, जो है समाज सुधार के लिए क्या करते हैं, वो एडवोकेट करते हैं यानी समर्थन करते हैं। तो इस पॉइंट से आप याद रखेंगे, फिलोसोफर, हिस्टोरियन, मैथमेटिशियन, लगभग इसी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि बर्टन रसेल क्या थे, तो ब्रिटिश फिलोसोफर थे, हिस्टोरियन और मैथमेटिशियन थे। ओके, फिफ्थ पॉइंट को देखेंगे, ही वॉज ए कमेंटेटर ऑन लार्ज वेराइटी ऑफ टॉपिक्स, यानी बहुत सारे टॉपिक्स में वो कमेंट करते थे, कमेंटेटर थे, समीक्षक थे, यानी लेक्चरर थे, कमेंटेटर मीन्स लेक्चरर, वो जब प्रवक्ता थे, वो किस भाषण देते थे या किसी पर भी चर्चा कर सकते थे। ओके, तो वो वेरियस टॉपिक्स हुआ करता था, सेक्स पर देते थे, वो मैरिज पर देते थे, शादी पर देते थे, ओके, पॉलिटिक्स पर बोलते थे, ओके, साइंस पर बोलते थे, साइकोलॉजी पर बोलते थे, यानी वो वेरियस टॉपिक्स पर जो है वो क्या करते थे, वो कमेंट करते थे। ओके, तो कमेंटेटर थे, तो यहां से ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि वो क्या थे, बर्टन रसेल क्या थे, तो कमेंटेटर थे ऑन वेरियस जो है वैरायटी ऑफ टॉपिक्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, ही वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1950, उनको अवार्ड दिया गया था, नोबेल प्राइज दिया गया था, कब दिया गया था, 1950 में, और किस लिए दिया गया था, लिटरेचर के लिए दिया गया था, लिटरेचर में दिया गया था, तो यहां से आप याद रखेंगे। सेवेंथ पॉइंट को देखेंगे, द मोस्ट इंडिविजुअल रिस्पेक्ट इन विच आइडिया हैव हेल्प्ड मैनकाइंड इज नंबर्स, वो कुछ सवाल अपने आप से करते हैं, बर्टन रसेल अपने आप से कुछ सवाल करते हैं कि मनुष्यों ने अपना विकास कैसे किया होगा। ओके, कुछ सवाल करने के बाद वो एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि हो सकता है कि उन्होंने अपना विकास जो है, जैसे जैसे उनका पॉपुलेशन बढ़ता गया, नंबर से बढ़ती गई, वैसे वैसे जो है विकास करते गए। ओके, तो यहां से आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि द मोस्ट इंडिविजुअल रिस्पेक्ट इन विच आइडियाज हैव हेल्प्ड मैनकाइंड इज,
उसके बाद जो है डॉट डॉट रहेगा तो आप इन इज नंबर्स ओके। जैसा कि आप जानते हैं ओके होमो सेपियंस जो है एक प्रजाति एक जाति का नाम है ओके। आज से लगभग 25 लाख वर्ष पहले अफ्रीका के एक जीनस जो है वो एप हुआ करता था, एप ए पी ई एप, एप मींस होता मंकी जिसको लंगूर भी कह सकते हैं। उसी से हमारा जो है उसी से हमारा जो अस्तित्व आया। आज मानव का जो मनुष्य का जो बॉडी स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो वो स्ट्रक्चर किसके द्वारा दिया गया है, एप के द्वारा दिया गया है, मंकी के द्वारा दिया गया है। और जो आज से कितना साल पहले, लगभग 25 लाख वर्ष पहले जो है अफ्रीका के जीनस जो है जीनस उसका एप हुआ कर प्रजाति हुआ करता था, उसी से आज मनुष्य जो है अस्तित्व में आया ओके। तो 25 लाख वर्ष पहले उस जो है आज मनुष्य जिसको हम लोग मैन कहते हैं वो किस नाम से जाना जाता था, होमो सेपियंस के नाम से जाना जाता था ओके। वो बहुत ही रेयर स्पीसीज होती थी, जाति होती थी ओके, प्रजाति हुआ करती थी। और सबसिस्टिंग इन गैप इन कहाँ रहते थे वो जंगल्स एंड केव्स, वो उन लोगों का निर्वहन जो हुआ था होता था या जीवन यापन जो करते थे वो लोग कहाँ रहते थे, जंगल और केव्स में रहा करते थे। यानी होमो सेपियंस का जो है जीने जिंदगी जीने के लिए होमो सेपियंस मजबूर थे, जंगलों और गुफाओं में रहते थे। आज हम लोग बड़े बड़े बिल्डिंग और फ्लैट में रहते हैं, लेकिन हमारे जो है हमारे पूर्वज जो है एप है, एप से ही हम लोग आए हैं ओके। अगर आप इतिहास को पढ़ेंगे तो पता चलेगा लगभग 25 लाख वर्ष पहले अफ्रीकी जो है अफ्रीका एक देश है, अफ्रीकी देश के वहीं पे रहते थे और वहीं से हमारा जीनस जो उसका नाम था एप, उसी से हम लोग क्या हुए, उसी से हम लोग जो है अस्तित्व में आए ओके। तो वो बहुत ज़्यादा कहाँ रहते थे, वो जंगल में रहते थे और केव्स में रहते थे। यहाँ से आपको ऑप्शन पूछा जा सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि होमो सेपियंस कहाँ रहते थे ओके, और मजबूर रहते मजबूर थे वो जीने के लिए मजबूर थे कहाँ पे, जंगल और गुफाओं में रहते थे। 9 को देखेंगे, 9.1 को लॉन्ग इन्फेंसी वाज ए बायोलॉजिकल एडवांटेज टू मैनकाइंड। लॉन्ग इन्फेंसी यानी लंबी शैशव अवस्था, जैसे इन्फेंसी मतलब शैशव अवस्था जो है एक क्या हो गया था, बायोलॉजिकल एडवांटेज मिला, एडवांटेज में से प्रॉफिट मिला ओके किसको, मैनकाइंड को। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, सर्वाइवल वाज ए प्रॉब्लम फॉर होमो सेपियंस टेरिफाइड विद जो है वाइल्ड बीट्स, यानी कहा जा सकता है कि वो बर्टन रसल कहते हैं कि ऐसी बात नहीं थी, धीरे धीरे विकास होने लगा, कुछ तो विचार आया होगा उस मनुष्यों में, ह्यूमन बींग में, और धीरे धीरे उस विचार से आज हम लोग डेवलप्ड हो गए है ना, विकास कर गए। तो उस समय जो है क्या करते थे, होमो सेपियंस के लिए जिंदगी जीना बेहाल था, मुश्किल था, क्यों, क्योंकि उस समय जो है टेरिफाइड थे, टेरिफाइड में से होता है भयभीत थे, किससे थे, वाइल्ड एनिमल से डरते थे, जानवरों से डरते थे, छोटे छोटे जानवरों का शिकार किया करते थे, कमजोर जानवरों का शिकार क्या करते थे कौन, होमो सेपियंस, उसको भोजन के रूप में उसको यूज करते थे ओके। बड़े बड़े जानवरों से वो डरते थे ओके, इसलिए उसका शिकार नहीं करते थे होमो सेपियंस। तो इसके लिए मुश्किल था ओके जिंदगी जीना, क्योंकि नरिशमेंट के लिए यानी जीवन यापन जीने के लिए, खाना खाने के लिए भोजन नहीं था, पर्याप्त भोजन नहीं था, सफिशियंट भोजन नहीं था, इसके लिए जो है बहुत ज़्यादा उनको मुसीबतों का सामना करना पड़ता था होमो सेपियंस। तो इसलिए वो प्रॉब्लम था जो है सर्वाइवल वाज ए प्रॉब्लम, वो एक समस्या थी उनके लिए जिंदगी जीना या जीवन यापन करना ओके। तो ये होमो सेपियंस के साथ था। 11 पॉइंट को देखेंगे, वी हैव बिकम इन सर्टेन रेस्पेक्ट प्रोग्रेसिवली लेस लाइक एनिमल्स, हम लोग जो है कुछ सर्टेन रेस्पेक्ट में हम लोग क्या बने, एक प्रोग्रेसिवली लेस लाइक एनिमल्स की तरह जो है हम लोग बने ओके। तो यहां से भी आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है 11 पॉइंट में कि वी हैव बिकम इन सर्टेन रेस्पेक्ट क्या, तो ऑब्जेक्टिव में रहेगा आपका, आपका ऑप्शन में रहेगा प्रोग्रेसिवली लेस लाइक एनिमल्स ओके। 12 पॉइंट को देखेंगे, कंजीनिटल स्किल्स प्ले ए मोर इंपॉर्टेंट रोल देन द एक्वायर्ड स्किल्स, बर्टेंड रसल कहते हैं बातों बातों में, वो कहते हैं कि कंजीनिटल जो स्किल होता है यानी कंजीनिटल में जो होता है जन्मजात जो होता है हमारा स्किल जो होता है यानी हमारा बुद्धि जो होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है देन एक्वायर्ड स्किल्स, एक्वायर्ड स्किल्स जिसको हम जो नॉलेज को एक्वायर करते हैं, प्राप्त करते हैं, गेन करते हैं, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इस दुनिया में आके जो हम नॉलेज गेन करते हैं उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कौन इंपॉर्टेंट होता है, वो कंजीनिटल स्किल होता है जो जन्मजात होता है, जो जन्म से मिला हमारे पूर्वजों के द्वारा जो दिया गया है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और है ओके। तो यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि कंजीनिटल स्किल्स प्ले मोर इंपॉर्टेंट रोल देन व्हाट, तो देन द एक्वायर्ड स्किल्स ओके। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, बर्ड्स डाई ऑफ हंगर इन लार्ज नंबर्स ड्यूरिंग द विंटर, विंटर सीजन में होता क्या था कि बहुत सारे जो है उस समय जो है बहुत सारे लोग जो बहुत सारे चिड़िया सॉरी बहुत सारे बर्ड्स जो है मर जाती थी ओके। किससे मर जाती थी, हंगर से मर जाती थी, भूख के कारण मर जाते थे। और कौन सा सीजन में मर जाती थी वो चिड़िया, तो वो द बर्ड्स जो द विंटर सीजन में, विंटर सीजन में। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, बर्ड्स किससे डाई ऑफ हंगर इन लार्ज नंबर्स ड्यूरिंग कौन सा सीजन था, तो विंटर सीजन में ओके। 14th पॉइंट को
देखेंगे बर्ड्स फॉरगेट्स दिस कैटास्ट्रोफी ड्यूरिंग द समर। तो जैसे जैसे वो जो है विंटर सीजन जैसे गुजर जाता था तो समर सीजन आ जाता था, यानी गर्मी का समय आ जाता था, जाड़े का समय, विंटर सीजन से जाड़े का समय, जाड़े का ऋतु, जाड़े का जो है सीजन कहा जाता है। तो जैसे वो गुजरता था तो समर सीजन आ जाता था, तो समर सीजन आते आते जो है उस कैटास्ट्रोफी को, उस कैटास्ट्रोफी का मतलब होता है आपदा विपत्ति, उस जो है उस बर्बादी को भूल जाते थे, कौन, चिड़िया भूल जाती थी। तो यहां से आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि बर्ड्स फॉरगेट हिज कैटास्ट्रोफी ड्यूरिंग व्हाट, व्हिच सीजन, तो यहां से द समर सीजन। फिफ्टींथ पॉइंट को देखेंगे, ह्यूमन बीइंग ऑफ इंडिया एंड सेंट्रल यूरोप डाइड ऑफ हंगर इन 1947 टू 1946 टू 1947। यानी जो है बर्टन रसेल हमें बताते हैं कि एक समय हुआ करता था चिड़िया जो है मर जाया करती थी भूख के कारण, लेकिन मनुष्य भी भूख के कारण, स्टार्वेशन के कारण जो है मर जाया करते थे। और कहाँ के ज़्यादा लोग मरे थे, इंडिया और सेंट्रल यूरोप के लोग मरे थे, ओके, किससे, भूख के कारण, स्टार्वेशन के कारण। और उस वो कौन सा पीरियड था, 1946 से 1947, यानी लगभग हमारा देश आज़ाद हो रहा था जिस समय, उस समय आसपास जो है लोग भूख से मर रहे थे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, 15 पॉइंट को देखेंगे, ह्यूमन बींग्स ऑफ इंडिया, सॉरी 16 को देखेंगे, अनलाइक बर्ड्स, यानी अनलाइक बर्ड्स यानी बर्ड्स के विपरीत, ओके, लाइक बर्ड्स मतलब जो है बर्ड के तरह, ओके, तो अनलाइक बर्ड्स जो है के विपरीत जो होता है, चिड़िया के विपरीत, ह्यूमन बींग्स कैन फॉरसी ए कैटास्ट्रोफी, ह्यूमन बींग्स भी क्या करते कर सकते थे, ओके, फॉरसी कर सकते थे, यानी प्रिडिक्शन कर सकते थे, पूर्वाभास कर सकते थे, बता सकते थे किसको, एक कैटास्ट्रोफी को बता सकते थे कि आने वाला विपत्ति है कि नहीं, यानी चिड़िया ज़्यादा बताती थी और जो है मेन जो है नहीं बता पाते थे, ये कहना चाह रहे हैं तो ये बर्टन रसेल। तो आप यहाँ से याद रखेंगे 16 पॉइंट को, अनलाइक बर्ड्स ह्यूमन बींग ओके बींग्स कैन फॉरसी व्हाट ए कैटास्ट्रोफी, तो यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, फोर थाउट कैन एवर्ट फिजिकल डेंजर, वो बर्टन रसेल कहते हैं कि फोर थाउट जो है यानी पूर्व विचार जो है, फोर थाउट मीन्स होता है पूर्व विचार, कैन एवर्ट, एवर्ट मीन्स होता है टालना, एवॉइड करना, ओके, एवॉइड किया जा सकता था किससे किया जा सकता है, फिजिकल डेंजर से, ओके, यानी आप पूर्व विचार, कोई अच्छा विचार कर लेते हैं तो आपका आने वाला जो फिजिकल डेंजर है, जो शारीरिक जो आपको खतरा हो सकता है, उसको टाला जा सकता है, ये बर्टन रसेल कहते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, 18th पॉइंट को, यूटिलाइजेशन ऑफ फायर बिकम ए माइलस्टोन इन ह्यूमन प्रोग्रेस, वो कहते हैं कि यूटिलाइजेशन ऑफ, जैसे जैसे यूटिलाइजेशन हुआ, उपभोग हुआ, यूज करने लगे जो फायर के, ओके, ह्यूमन लोग, ओके, मनुष्य जो है जाति के लोग जब यूज करने लगे फायर को, तो मनुष्य का क्या होने लगा, प्रोग्रेस होने लगा। तो यहां बहुत इंपॉर्टेंट है, यूटिलाइजेशन ऑफ फायर क्या बिकम ए माइलस्टोन, मील का पत्थर साबित हुआ, माइलस्टोन मींस होता है मील का पत्थर, अगर फायर का यूज नहीं किए होते तो आज हम जो है, हम आज जो गैस का यूज करते हैं, हम लोग अपने घरों में भोजन पकाने के लिए, यानी फूड का जो है कुक करने के लिए यूज करते हैं, वो नहीं हो पाता, उन्हीं की देन है, यानी हमारे पूर्वजों की देन है, होमो सेपियंस का जो है देन है। ओके, तो यहां से ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि जो है यूटिलाइजेशन ऑफ फायर बिकम ए माइलस्टोन फॉर होम, तो फॉर ह्यूमन प्रोग्रेस, किसके लिए, तो ह्यूमन प्रोग्रेस के लिए, यानी मनुष्य का जो है प्रोग्रेस के लिए किया गया था। ओके, तो उस समय जो लोग जो थे, यानी होमो सेपियंस जो थे, वो फायर का यूज़ करते थे, लेकिन किस लिए यूज़ करते थे, जहाँ पे वो गुफाओं में या जंगल में जो रहते थे, पेड़ ट्री के नीचे रहते थे, तो वहाँ पे जो है लोग जानवर, अलग मतलब ताकतवर जानवर, यानी स्ट्रॉन्ग जानवर आके उन्हें परेशान ना करे या खा जा ना जाए, इसलिए वो जो है उसको भगाने के लिए जो है क्या करते थे, अपने घरों के चारों ओर या अपने गुफाओं के चारों ओर जो है क्या जला दिया करते थे फायर, तो उससे वो भाग जाते थे जानवर। ओके, तो उस इसके लिए यूज करते थे, लेकिन कुछ बच्चे क्या होता था, थोड़ा नोटिस जो है थे शरारती थे, ओके, नटखट थे, तो वो लोग क्या करते थे, बच्चा जो है किसी जानवर का या एनिमल का या बर्ड का जो है मीट फेंक दिया करते थे किसमें, उस आग में। ओके, तो जो है वो होमो सेपियंस जो थे गार्जियन हुआ करते थे, वो मना करते थे कि ऐसा मत करो, मीट को मत फेंको, लेकिन कभी ऐसा हुआ होगा जैसे मीट जो है जल रहा होता है, तो उस समय जो है थोड़ा सा जला हुआ को जब मीट को निकाल के जब खाते थे तो बहुत ज्यादा टेस्टी लगा। ओके, तो वहीं से जो है आग को जो है जो फायर को जो है ज्यादा यूज करने लगा, भोजन पकाने के रूप में किया जाने लगा। आज हम लोग जो है किसी भी तरह का मीट का जो यूज करते हैं, ओके तो हम लोग जो है पका कर खाते हैं या खाना जो है, तो वहां से जो है आग का जो यूज किया गया। ओके, तो
द इंटेलिजेंट क्वालिटीज अपॉइंट फॉर द ग्लोरी ऑफ मैन। तो यहाँ से 19th पॉइंट से आपसे पूछा जा सकता है कि इंटेलिजेंट क्वालिटीज जो होता है ओके तेज जो गुण जो होता है किसके लिए जिम्मेदार है, अपॉइंट फॉर में से होता है, अपॉइंट फॉर में से होता है जो है जिम्मेदार होना फॉर द ग्लोरी ऑफ मैन। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है फॉर द ग्लोरी ऑफ मैन, याद रखेंगे ओके। और नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, द इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर वॉज मोर इंपॉर्टेंट देन डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स काउ एंड सीप। उस समय लोग जो है डोमेस्टिक एनिमल बनाए थे, काउ को, सीप को, हॉर्स को, इस सबको डोमेस्टिक एनिमल बना के यानी घरेलू पालतू जानवर बना के रखते थे ओके, उससे फायदा, उससे काम लेते थे ओके। तो इससे होता क्या था कि मतलब उन लोगों का जीवन यापन होना मुश्किल था, लेकिन धीरे धीरे जो है मतलब एग्रीकल्चर नहीं था, कृषि नहीं थी, खेती नहीं हुआ करता था, जिसकी वजह से खाने के लिए भोजन जो है सफिशियंट जो है फूड नहीं मिलता था, जिसकी वजह से भूखों से जो है ह्यूमन बींग मर रहे थे ओके। तो एग्रीकल्चर हुआ, जैसे जैसे एग्रीकल्चर आया मतलब खेती का जो है आविष्कार किया उन्होंने, तो उनको लगा कि खेती का आविष्कार ज्यादा इंपॉर्टेंट है किससे, एनिमल को जो है डोमेस्टिक बनाने में ओके, बनाकर रखने से बेहतर है कि हम जो है एग्रीकल्चर की तरफ जाएं और फसल का जो है पैदावार करें ओके, उसको जो है यूज करें खाने के लिए ओके। उसी उन्हीं की देन है एग्रीकल्चर की मतलब होमो सेपियंस का, जिसकी वजह से आज जो हमें सफिशियंट खाना मिल जाता है कहीं भी किसी भी समय ओके। तो ये जो है नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, इन कोर्स ऑफ टाइम ह्यूमन प्रोग्रेस। तो यहां से आपको 21 पॉइंट रहेगा कि इन कोर्स ऑफ टाइम समय जैसे जैसे गुजरता गया विद द पेसेज ऑफ टाइम ह्यूमन बींग जो है क्या करे प्रोग्रेस की अपने आप को डेवलप करते गए। तो यहां से भी ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, वी आर मोर फ्रेंडली विद इन द हर्ड। हम लोग जैसे जैसे जो है हमारा जो हम लोग ज्यादा फ्रेंडली होने लगे, एक दूसरे से ज्यादा परिचित होने लगे, एक दूसरे से दोस्ताना व्यवहार करने लगे, कहां पे विद इन द हर्ड, हर्ड में रह के, हर्ड के अंदर रह के, हर्ड में से होता है झुंड में रह के, झुंड के अंदर रह के जो है हम लोग एक दूसरे से ज्यादा फ्रेंडली होने लगे। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, आफ्टर जो है 23rd पॉइंट को देखेंगे, आफ्टर लैंग्वेज द फायर हेल्प द मैनकाइंड। यानी लैंग्वेज के बाद, ये बर्ट्रेंड रसल कहते हैं कि हो सकता है कि पहले लैंग्वेज आया या फायर आया, वो कन्फ्यूजन है उनका ओके, कन्फ्यूज हो रहे हैं। और उनका कहना है कि हो सकता है कि अगर लैंग्वेज आया पहले तो लैंग्वेज के बाद जो हमको हम जो मिला ओके इन्वेंशन हुआ फायर का, ये हेल्प हुआ ओके, क्या मैनकाइंड का जो है डेवलप करने के लिए बहुत ज्यादा जो है फायर हेल्पफुल हुआ ओके। तो नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, द टेमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स मेड लाइफ प्लीजेंटर। वो कहते हैं, बर्ट्रेंड रसल कहते हैं कि लोगों जो पालतू जानवरों का जो डोमेस्टिक जो एनिमल, जब हम जो है एनिमल को जो डोमेस्टिक बनाने लगे, तो इससे जो होता है लाइफ क्या हो गया, प्लीजेंटर हो गया, यानी खुशहाल हो गया, प्लीजेंट में से खुश होना ओके, तो बहुत ज्यादा खुशी मिलने लगी ओके। तो यहां से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, द टेमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स मेड लाइफ व्हाट, तो मेड लाइफ प्लीजेंटर। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, द वर्ड डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू, वर्ड जो है एक वर्ड है डेवलपमेंट, वो किससे रिलेटेड है, तो वो रिलेटेड है मैन से, मनुष्य से रिलेटेड है। नेक्स्ट पॉइंट है ओके, पिक्टोरियल इज अ वर्ड, पिक्टोरियल भी एक वर्ड है ओके, इज रिलेटेड टू अर्ली मैन विथ, क्या किससे जो है पिक्टोरियल जो है किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है, तो राइटिंग से ओके, राइटिंग से, लेखन से जो है क्या था उसका रिलेशन था ओके। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, सिविलाइजेशन टाउट अस टू बी मोर फ्रेंडली टुवर्ड्स वन अनदर। वो कहते हैं, बर्ट्रेंड रसल कहते हैं कि सभ्यता जो था ओके, सभ्यता जो सिविलाइजेशन जो आया, तो हम लोगों को सिखाया ओके कि एक दूसरे से क्या करेंगे, हम टुवर्ड्स एक दूसरे के तरफ से जो है एक दूसरे से फ्रेंडली जो है व्यवहार करेंगे। अगर सिविलाइजेशन नहीं था पहले तो लोग असभ्य थे ओके, असभ्य मतलब अनसिविलाइज थे, धीरे धीरे सभ्य हो गए सिविलाइज होते गए। तो वही सिविलाइजेशन ही हमें बताया ओके, हमें सिखाया टाउट अस टू बी मोर फ्रेंडली टुवर्ड्स वन अनदर, एक दूसरे से जो है मिलजुल कर रहने के लिए सिखाया ओके। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, नॉलेज एंड टेक्निक हेल्प्ड मैनकाइंड। वो बर्ट्रेंड रसल कहते हैं कि नॉलेज और टेक्निक ने हमें हेल्प किया ओके, बहुत ज्यादा हेल्प किया डेवलप करने के लिए, मनुष्यों को डेवलप करने के लिए। जैसे जैसे नॉलेज होने लगा, ज्ञान बढ़ता गया मनुष्यों का ओके, और धीरे धीरे जो है लोगों का जो है टेक्निक में भी, टेक्नोलॉजी भी बढ़ने लगा। तो वक्त के साथ जो है नॉलेज और टेक्नोलॉजी के कारण जो है लोगों का विकास हुआ। ये कौन बताते हैं, आपको बता रहे हैं बर्ट्रेंड रसल। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, मोलक वुड नॉट हेल्प ओके द कॉर्न टू ग्रो ओके। एक मोलक जो है एक प्रतिमा, देवी प्रतिमा हुआ करती थी, वो जो क्रॉप्स को जो है, फसल को जो है, कॉर्न को जो है बढ़ने नहीं देती थी, विकास होने नहीं देती थी, जब तक कि लोग जो है ही वाज अलाउड टू फीस द ब्लड ऑफ चिल्ड्रेन। जब तक बच्चों को जो है, बच्चों का ब्लड जो है एक बलिदान नहीं दिया जाता था, जब तक बच्चों का जो है सेक्रीफाइस जो है फीस्ट के रूप में, उनका भोज के रूप में प्रतिमा को दिया नहीं जाता था, तब तक वो जो है कॉर्न को बढ़ने नहीं देती, डेवलप नहीं होने देती थी, ग्रो नहीं होने देती थी। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मोलक वुड नॉट हेल्प द कॉर्न टू ग्रो अनलेस ही वॉज अलाउड टू फीस्ट
ऑन द ब्लड ऑफ व्हाट चिल्ड्रेन। ओके नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, द लास्ट ग्रेट इन्वेंशन वॉज द आर्ट ऑफ राइटिंग। लास्ट ग्रेट इन्वेंशन जो था, जो सबसे बड़ा जो है इन्वेंशन, जो आविष्कार जो होमो सेपियंस ने किया, वो क्या था? द आर्ट ऑफ राइटिंग, लेखन की कला। ओके आई होप कि आप समझ रहे होंगे। जितने सारे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस चैप्टर से, उसको मैंने इंक्लूड किया है। 30 जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए इंक्लूड किया था। इससे बाहर से कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, मैं 100% इसकी गारंटी देता हूँ। ओके आप गौर से पढ़ेंगे, अगर ध्यान लगाकर पढ़ेंगे और स्क्रीनशॉट ले लेंगे, दोस्तों को शेयर करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके और बेल आइकन को दबा दीजिए, वेट कीजिए मेरा नेक्स्ट वीडियो के लिए। ओके और जितने मेरे इससे जो है और वीडियोज बने हैं इस इंग्लिश 12 क्लास के लिए, उसको जरूर आप देखिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।